दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20x30 की, और ये बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान ने डिज़ाइन किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और यह उन्हें कस्टमर बोल सकते हैं, उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। यहाँ पर आपको दो बेडरूम, एक चाइल्ड रूम और किचन बाथरूम लेटरिन सेपरेट विद स्टेयर्स आपको मिलती हैं। तो आप ये जो डिज़ाइन देख पा रहे होंगे, इसका साइज़ केवल 20x30 है। लेकिन दोस्तों ये 3 साइड क्लोज नहीं है, ये 3 साइड ओपन है, मतलब तीनों साइड यहाँ पर रोड है आपको, लेफ्ट राइट और फ्रंट, सिर्फ बैक साइड रोड नहीं है। तो इसी कारण से मैंने, आप देख पा रहे होंगे, साइड में विंडो वगैरह दिया है और डोर भी दिया है। फ्रंट तो इसका ये है, अगर इस तरफ की बात करें तो इधर भी रोड है। तो ये पूरा डिज़ाइन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 20x30 में मैंने डिज़ाइन किया है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे उन्हीं के कहने पर। तो ये मॉडल कैसा लग रहा है, पहले से लाइक करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो हमारा पेज है न्यूटेक नाम से, आप उसे फॉलो कर लें। तो चलो इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो जो आज हम मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, उसका मैंने यहाँ पर पूरा मॉडल क्रिएट कर रखा है 3D व्यू। अब हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, हमेशा की तरह जैसे हम ट्रांसपेरेंट करते हैं। जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं, इस मॉडल को थोड़ा सा कंजेस्टेड आपको लग रहा होगा क्योंकि स्पेस कम है 20x30, और आपको दो रूम, एक चाइल्ड रूम भी क्रिएट करके दिया है मैंने, स्टडी रूम उसको बोल सकते हैं। तो ये चारों तरफ से आप देख पा रहे होंगे, जिसका बहुत ही ट्रांसपेरेंट सारा फर्नीचर वगैरह दिखता है, दीवारें हाइड हो जाती हैं। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं रिमूव, तो आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पर। अब ये तो इसका फ्रंट हो गया, इसका फ्रंट लुक ये है, साइड लुक ये है, आप देख पा रहे होंगे, और ये एक तरफ का राइट हैंड साइड का लुक है, ये इसका फ्रंट है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर इसका ये दोस्तों, जैसा आप इसे जूम करते हैं तो ये देखिएगा, जूम करने पर ये आपका 4 फीट का बाउंड्री है स्टार्टिंग से, और ये मेन गेट है। जैसे आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप पार्किंग के लिए थोड़ी सी जगह 3 से 3.5 फीट का ये आपको जगह दोनों तरफ मिल जाता है। इसके बाद ये मिल जाता है आपको स्टेयर्स, और स्टेयर्स मैंने यहाँ पर एल साइज़ का क्रिएट किया है क्योंकि स्पेस कम है। ओवरऑल बात करें यहाँ पर, ये 20 फीट की चौड़ाई है, जहाँ पर मैंने 8 फीट का अप्रॉक्स ये रूम फ्रंट वाला डिज़ाइन किया, जिसे स्टडी रूम बोल रहे हैं, मैं इसी को डिस्कस कर लूँ पहले। तो ये रूम है, और इस रूम में फ्रंट से मैंने एक विंडो दिया है जिसमें वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम आपको ना मिले। साइड में भी रोड है, वहाँ से भी मैंने एक विंडो दिया है। अच्छा, डोर की बात करें, एंट्री की बात करें, आपको एक गैलरी टाइप का दिख रहा है, इससे आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसको स्टडी रूम बोल सकते हैं क्योंकि 8x8 का छोटा सा रूम है, आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, जगह के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेयर्स की। तो ये स्टेयर्स दोस्तों 6 फीट आपका राइट हैंड में जाएगा और 6 फीट फिर वापस आ जाएगा, तो 12 फीट में आपका स्टेयर्स क्रिएट हो जाता है। और जो स्टेयर्स आपका मैंने दिया है वो 2.5 फीट का है, 2.5 फीट चौड़ा है, तो 2.5 टोटल 5 फीट हो जाता है। तो आप जो मैंने बाथरूम लेटरिन क्रिएट किया है दोस्तों, वो आप इसी के नीचे क्रिएट किया है, लेकिन बाथरूम के लिए सेपरेट बाथरूम मैंने बनाया। आप इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं, लेटरिन बाथरूम, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ये आपका किचन मैंने डिज़ाइन किया है, और ये सभी के डोर आपको गैलरी से ओपन होते हैं, और इधर भी रोड है, इसलिए मैंने वेंटिलेशन के लिए लेटरिन में और बाथरूम में ऊपर से विंडो दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऐसा वाला विंडो नहीं दे सकते हैं। बात करते हैं, ये किचन है, तो किचन का वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा है, और यहाँ पर मैंने विंडो दिया है, डबल विंडो, और गेट अंदर से है। तो ये आपकी बात हो जाती है ग्राउंड फ्लोर। और पीछे की बात करें तो पीछे मैंने 2 बेडरूम दिए हैं। ये जो आपके एरिया बन रहा है, यहाँ पर मैंने साइड से गेट भी दिया है, अगर आपके इधर रोड है तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और बात करते हैं इधर चारों तरफ से मैंने विंडो दिया है जिसमें वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रंट की बात करते हैं मेन डोर की, तो ये दोनों इस रूम में डोर दिए हैं। तो ये रूम अप्रॉक्स 10x12 मतलब 10x12 फिट के हैं, और दोनों रूम का साइज सेम है। तो ये पूरा आपको मॉडल क्रिएट हो जाता है 20x30 में। कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। सारी चीज़ें वही सेम टू सेम मैंने डिज़ाइन किया है, सिर्फ यहाँ पर बालकनी जो है वो बढ़ा दिया थोड़ा सा, जिससे आपका स्पेस बढ़ जाए। और ये आपका रेलिंग चारों तरफ से लगा दिया है फ्रंट में, और पूरी सारी डिज़ाइन वही, सारे रूम से किचन बाथरूम सब कुछ वही रखा है। आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आप क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या रिमूव करना चाहते हैं। आफ्टरऑल लास्ट की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर, सॉरी लास्ट फ्लोर है, और यहाँ पर मैंने ये ढक दिया है, आप देख पा रहे हो स्टेयर्स। ये फ्रंट इसका हो जाता है, चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री, और फ्रंट से आपका यहाँ पर ये रेलिंग देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा डिज़ाइन हो जाता है 20x30 में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक स्मॉल हाउस प्लान से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जरूर